भारत हरैला रत्न भारतीय शिल्प जगत को शक्त धक्का देश हर जड़े सुपुत्र देश निर्माता छयाशी वर्ष बयस नीरवी जाती विशिष्ट शिल्पपति रतन टाटा बार्धक्य जनित असुस्थता जो से मुंबईर ब्रिज क्यांडी हस्पिटाल चिकित्सित होते गतकाली राति ब्रिज क्यांडी हस्पिटाल चिकित्साधीन अवस्था देहांत हो शिल्पपति रतन टाटा मृतदेह कुलावस्थित बासभवन को नि संपर्कों सूचना अनुयायी दर्शन पर सका दसटू चारिटा पर्यंत एनसीपी में रखा शिल्पपति रतन टाटा मृत्यु हेतु आज मुंबई में राज्य सरकार समस्त कार्यक्रम बातिल करा बोली महाराष्ट्र सरकार पक्ष भारत का कोहिनूर हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं हमसे बिछड़ गया है ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए पूरे देश के लिए पूरे देश का एक अभिमान था हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना जमीन से जुड़ा रहना ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था तब मैंने उनको देखा मेरे से जो बात किया उन्होंने जो इतनी इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका डाउन टू अर्थ एक सीधा सादा रहना मराठी में हम कहते हैं सादी रहनी उच्च विचार सरणी और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे और आज मैं यही कहूंगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी प्रेरणा आती थी और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है स्वाभिमान है उन्हें हमारे सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार उनको कई पुरस्कार मिले पद्मश्री पद्म विभूषण और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई ऐसे उनका कर्तृत्व था और लाखों करोड़ों लोगों को खुद के पैरों पर खड़ा करने का काम उन्होंने किया है सिर्फ उद्योजक नहीं तो एक देश सेवा देशभक्ति से प्रेरित वो ये व्यक्तिमत्व थे ऐसा इंसान होना दोबारा मिलना ये मुमकिन नहीं है मुश्किल है। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए एक विश्वासार्हता खड़ी की एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोफिक काम उन्होंने किए हैं चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चिकित्सा के क्षेत्र में हो रिसर्च के क्षेत्र में हो बुनियादी क्षेत्र में हो समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। कि टाटा ग्रुप की तरफ से प्रेस रिलीज दिया गया है सुबह 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो दर्शन के लिए एनसीपीए में रखा जा रहा है और पुलिस की तरफ से बंदोबस्त तो रहेगा पर हमारा आप सबको अपील है कि जो लोग वहां दर्शन के लिए आएंगे वहां पे पार्किंग की सुविधा नहीं है तो जो लोग आएंगे उनको यही पुलिस की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो आप फॉलो करेंगे और जो पार्किंग है वहां पे
ड्रॉपिंग प्वाइंट से आपको आगे गाड़ी लेके जाने के लिए वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो जो भी लोग वहां आना चाहते हैं वो अपना पार्किंग की फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल है वो देख के वहां पे आने की कोशिश करें।